hoy, 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 bagao. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। सो अगेन आई एम गोइंग फॉर अ सोलो राइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो बेसिकली मैं आज जाने वाला हूँ पुणे। अभी हो रहे 1:10 एंड मैं निकल चुका हूँ पुणे के लिए। बहुत लेट हुआ है, मुझे निकलना था 10 बजे लेकिन सो गया था मैं, इसके लिए फिर सारा डिले होते गया। बट अभी कोई नहीं, मस्त एकदम क्लाउडी वेदर है, देख लीजिए एक बार। ये चलते चलते मैं दिखाई दूँगा आपको वैसे भी, बट अभी ऑलमोस्ट मुझे 2-3 घंटा लगेगा पुणे पहुंचने के लिए। एंड वहां पे जाके क्या क्या प्लान करना है, किस किस को मिलना है, तो मैं आप सभी को अभी बाइक पे बैठ के बताता हूं। उसको निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, एंड मिलता हूं आपको बाइक मोड़ पे। ओके सर, ये ट्रिप जो थी पुणे की, ये मैंने ऑलमोस्ट 2 महीनों से प्लान करके रखी थी कि ये वीकेंड जाएंगे, अगले वीकेंड जाएंगे, और वो करते 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 फाइनली आज मैं जा रहा हूँ। एंड ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आज बारिश नहीं है। एंड मेन मतलब कैसा रहता है, बारिश होगी तो अच्छी बात है, या फिर वैसा मौसम रहेगा तो भी अच्छी बात है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। आज का जो वीडियो है वो ज़्यादातर मोटो व्लॉग रहने वाला है। एंड बाय द वे, राइट साइड में जो है, जिनको नहीं पता, ये है मुंबई एक्सप्रेसवे। सो इस पे बाइक्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे इवन बोर्ड भी लगा दिया है। तो अगर आप बाहर के सिटी हो या फिर स्टेट से आ रहे हो, सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस। क्या मौसम है, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी भी आप रोड पे चलते हो ना, तभी एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि दिमाग जो है अपना वो ठंडा रखा जाए। ये मैं हर राइड शुरू करने से पहले सोचता हूँ, बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक उसमें से ऐसे निकलता ही है जिस पे भसड़ निकलती है। फालतू जैसे गाड़ी चलाते हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं है उस बात को, ऐसे गाड़ी चलाएंगे। मतलब यार गाड़ी आ रही है, तुम देखो जरा, आईना दिया है, इंडिकेटर दिया है। मैं अभी उतर के आगे वाले का इंडिकेटर चालू करके फिर से मैं आगे जाऊँ क्या? ये मेरे साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट एक फैक्ट, आज तक का एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ मैं। बाकी ये तो रोड आपने बहुत बार देख लिया है मेरे वीडियो में, हर बार मैं लोनावाला ही जाता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट ये लोग जो टोल ले रहे हैं ना, तो उस हिसाब से ये रास्ते हैं, मतलब अच्छे रोड से। बट नासिक हाईवे पे आप जाओगे ना, टोल क्यों लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। अरे बाबा, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। नहीं 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 नहीं, मेरे को रुकना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा मत करो, बारिश 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 बारिश। अरे आ रही है कि नहीं, आगे चल के रुक दूंगा मैं, छोड़ो। ये देखो बारिश, देखो क्या बारिश है, वाह, टोल नाका पे बारिश गिर रही है सिर्फ उतने पैच में, आगे आके कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस, जो मेरे C8 के टायर है, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि टायर नॉर्मल यूज़ के लिए तो अच्छे हैं, बट जब भी मैं कभी लाइक वेट एरिया से जाऊँगा, या फिर जिधर मिट्टी रहेगी, या फिर ऐसा कुछ रहेगा पत्थर छोटा छोटा, ये साइड में जो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ अगर सरफेस रहता है, तो वहाँ से टायर स्पिन होता है, थोड़ा स्पिन होगा एक्सीलरेट करते वक्त, एंड उसके बाद नॉर्मल होता है। तो उस टाइम पे डर लगता है कि बाइक स्लिप ना होनी चाहिए। अरे किधर बैठे हो, मैं बहुत से लोग देखता हूँ हमेशा राइड पे कि जो हेलमेट यहाँ पे लगाते हैं, एल्बो में लगाते हैं, या फिर सिर्फ सर में रख देते हैं, उसका स्ट्रैप नहीं लगाते, तो वैसे करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आपकी जान को रिस्क है। सो प्लीज़ वेयर दैट हेलमेट प्रॉपरली। अरे वाह वाह वाह, ये देखो, वाह वाह वाह, नाइस। रिंकू निकालने, ओ
क्या है नजारा देखिए, क्या सही मौसम है यार राइड के लिए आज, वाह मजा आ गया। सो रुका हुआ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह से कुछ खाया नहीं था इसके लिए, फिर अभी लोनावाला का टोल प्लाजा है उसके बाद ही तुरंत एक होटल में रुका हूँ छोटे से। राइड एकदम स्मूथ चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत मुझे दो चीज़ों में आ रही है। एक मतलब एक्सोर का हेलमेट, ये मेरी हमेशा की कंप्लेंट है कि पीछे साइड में दुखने लगता है अगर मैं बहुत टाइम तक यूज़ करता हूँ तो। एंड दूसरी मतलब जो मैंने राइनॉक्स का रेनकोट लिया है ना, पूरा वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है मुझे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों के लिए अच्छा रहेगा तो मालूम नहीं, लेकिन जब मैंने विदाउट बैग रेनकोट यूज़ किया था तभी मैं अंदर से भी गीला हो गया था जब मैं मुंबई गया था बारिश में। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कुछ फ़ायदे का नहीं है मेरे लिए, आपके लिए रहेगा सो वेल एंड गुड, लेकिन होती रहती है ऐसी छोटी मोटी बातें। बट कोई नहीं, बाइक एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम बाकी तो आया नहीं है, मज़ा आ रहा है। सिर्फ मैं टाइम से थोड़ा लेट चल रहा हूँ, अभी 2:45 हो रहा है एंड मैं लोनावाला में हूँ अभी तक। सो कोई नहीं, आराम से जाएंगे, आराम से पहुँचेंगे, चिल करने के लिए हम लोग राइड कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो अभी थोड़ा नाश्ता करता हूँ, चार्जिंग पे लगाना है GoPro वो भी कर देता हूँ एंड फिर से मिलता हूँ आपको बाइक। चलो यहाँ पे तो आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया है रुक के। एंड मेन मतलब एक चीज़ मुझे याद है आज भी कि जब मैंने फर्स्ट राइड की थी ना मेरी, तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे हवा भरने के लिए रोका था मैंने, सुबह सुबह का टाइम था, वो सो रहा था एंड उसको फिर थोड़ा सा कंटाला आ गया कि इतने सुबह सुबह क्यों उठा रहा है कोई। जब आप कभी भी पहली बार कोई चीज़ करते हो तो हमेशा याद रहती है। सो वो मेरी फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप थी, इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट मुझे वो सारे ट्रिप्स के ब्रेक्स याद है, कहाँ कहाँ पे मैंने ब्रेक्स लिए थे। पे मेरा माइक बंद पड़ गया था इसके लिए फिर अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं पुणे पहुँच चुका हूँ घर पे, पुणे आते आते हालत टाइट हो गई क्योंकि मैप के हिसाब से मैं आया तो मुझे बहुत गोल गोल घूमना पड़ा था। बस बाकी कुछ नहीं, अभी फ्रेश होता हूँ और आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके सर, टाइम अपडेट 8:17। सो अभी यहाँ के रोड्स थोड़े कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। देखो पुणे में मौसम बहुत अभी ठंडा लग रहा है। आई एम गोइंग टू मीट आदित्य फर्स्ट और उसके बाद मयूरेश से मिलूंगा मैं। पुणे में घूमने लायक तो बहुत है लेकिन इतना टाइम अभी नहीं है मेरे पास। आई जस्ट केम हियर फॉर अ बाइक राइड्स एंड इन लोगों से मिलना भी था, इसके लिए फिर आ गया हूँ मैं अभी। ओके सो आदित्य मिल गया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं FC रोड। ओके सो बाय द वे ही इज आदित्य। मेरा नाम आदित्य देशमुख और मैं ज़्यादातर ट्रैवल व्लॉगिंग ही करता हूँ, वैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी के व्लॉग्स ज़्यादा रहते हैं लेकिन ट्रैवल व्लॉग्स मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जाके देखो और भाई को भी सब्सक्राइब करो, मेरे को भी कर दो। हाय, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं लेकिन उसके बाद अभी पुणे में मिल रहे हैं। मेरा प्लान एक्चुअली राइड करने का था बट वो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन जल्दी हम और एक अच्छी राइड लेंगे, प्रॉपर वाली राइड करेंगे। अभी ये पुणे आया था, मैं अभी मुंबई आऊँगा फिर तो उसके बाद हम देख लें कुछ प्लान करते हैं और। तो अभी ये FC रोड है, जैसे अपने मुंबई में फैशन स्ट्रीट वगैरह है तो हम लोग अभी इधर आए हैं। ट्रैफिक तो वन साइड है, मुंबई से भी ज़्यादा ट्रैफिक लगी मुझे और रोड तो कन्फ्यूजिंग है। जैसे आप देख सकते हो मार्केट पूरा इधर है, स्पेशली लेडीज़ का ही है, बहुत सिर्फ लेडीज़ का ही है, लड़कों का ही लड़कों के लिए कुछ नहीं, लड़कों के लिए सिर्फ ये बेल्ट दिख रहा है। जाएंगे सौ में दो। तो अभी हम लोग कहाँ पे कैफे लाइक कॉफ़ी या फिर कुछ पीने जाएंगे, देखते
चलो आदित्य से मिल के हो गया, अभी जाएंगे मयूरेश को मिलने। भाई ये ट्रैफिक है या क्या है, मतलब ओहो ट्रैफिक। ये देखो ये होटल है वैशाली होटल, और यहाँ पे कंटिन्यू बाहर लोग खड़े हैं वेटिंग में। और ये है फर्ग्यूसन कॉलेज एंट्रेंस है। यस बेटू, यस चला बाय। हो स्नैक्स कॉर्नर, होटल्स एंड शॉपिंग के लिए बहुत सही जगह है ये तो। यहाँ पे वन वे कौन सा और टू वे कौन सा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेस्टिनेशन पे पहुँचा दो यार मेरे को, बस स्लाइट लेफ्ट। ओके ओहो ये ब्रिज प्लस मेट्रो का काम है कुछ तो। जभी जभी मैं गूगल मैप्स को फॉलो करता हूँ ना, तभी तभी मेरा पॉपअप होता है। मतलब मयूरेश ने मुझे दूसरा लोकेशन भेजा था और मुझे बता रहा है कि ये यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, लेकिन लेफ़्ट नहीं, अभी देखो मैप कहाँ पर है, यहाँ पे मुझे जाना है। और अभी भी वो गलत ही बता रहा है, इसके लिए अभी रुक के चेक कर रहा हूँ मैं प्रॉपर क्या है। थैंक यू। किती लांब आहे इथून? सो फाइनली मैं और मयूरेश मिल चुके हैं। ही इज मयूरेश, ये मेरे कॉलेज में था एंड जब से इसने बाइक ली है तब से हमारा कांटेक्ट बढ़ गया है। कॉलेज में जब था तभी हम लोग इतने बातें नहीं करते थे, लेकिन अभी राइडर्स बोलने के बाद मिलाप वगैरह होती रहेगी आगे। सो ये अभी औंध में है, मतलब हम दोनों भी एक्चुअली औंध में है, एंड मुझे यहाँ तक आने के लिए अराउंड आधा घंटा गया। इट्स वॉज अराउंड 13 किलोमीटर औंध के लिए। बहुत कंफ्यूजिंग रूट है लेकिन घूमेंगे भाई। तो हम लोग अभी वेस्ट एंड मॉल के पास है एंड यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। राइड वगैरह का प्लान हो सकता है, अगर होगा तो वीडियो जरूर मिलेगा। एंड उसके बाद फिर मैं फिर से जाऊँगा कोथरूड एंड कल सुबह मुझे मुंबई के लिए निकलना है। सो अभी चिल कर सकते हो। टाइम टू एंड दिस वीडियो, बहुत अच्छा कन्वर्जेशन रहा हमारा। एंड अभी मैं जाऊंगा कोथरूड, ये जाएगा इसके घर पे। बस अभी राइड के प्लान चालू है, जल्दी राइड करेंगे। ये पुणे में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके लिए सैटरडे संडे अगर आता है तो अगर कुछ पॉसिबल होता है तो ही राइड करेंगे। वीडियो कैसा रहा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कल से मैंने पहले वाले भी वीडियोज देखे नहीं है, बट होपफुली आपको अच्छा लगा रहेगा। तो अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप लाइक।